So the next question is 246. The question is asking which two of the following error could explain this, assuming that the Kelvin maintains control account for its receivables and the payables within the double entry system. So question ये बोल रहा है कि नीचे के चार दिए गए error में से कौन सा दो error ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ऊपर लिख रखा है ना ट्रायल बैलेंस ऑफ केल्विन डज नॉट बैलेंस. ठीक है, तो हम लोग वन साइडेड ईरर कौन सा है और सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे खुलेगा वो पता करना होगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोलता है, सेल्स टेप बुक वाज अंडर कास्ट बाई 100, मतलब कि हम लोगों ने कम दिखाया है 100 का और दिखेगा सेल्स टेप बुक. तो सेल्स टेप बुक की एंट्री क्या होती है, रिसीवेबल्स टू सेल्स. तो यहाँ पर ना रिसीवेबल टू सेल्स दिखा के 100 इंक्रीज कर देंगे. ये डबल साइडेड ईरर था. जब भी अगर सेल्स टेप बुक ओवरकास्ट हो रही है, ओमिटेड है या फिर अंडरकास्ट है, तो उसमें सस्पेंस अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है. सिंपली ओरिजिनल एंट्री पास करके इफ अंडरकास्ट है तो हम लोग करेक्शन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट ईरर क्या है, ये हमारा ईरर मतलब ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा. सो लेट्स मूव टू द सेकेंड ईयर. डिस्काउंट रिसीव वाज क्रेडिटेड टू सेल्स रेवेन्यू अकाउंट. सो डिस्काउंट रिसीव हम लोग को कब मिलेगी, जब हम लोग किसी को पैसे दे रहे हैं तब, मीन्स पेएबल्स में. तो इसकी जर्नल इंट्री क्या होती है, पेएबल्स टू डिस्काउंट रिसीव शुडू में ये होना चाहिए. पर हम लोग ने किया क्या, पेएबल्स टू डेबिट किया पर उसको डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया सेल्स रेवेन्यू में. देखिए क्वेश्चन में यही बोल रहा है, डिस्काउंट रिसीव वेयर क्रेडिटेड टू सेल्स रेवेन्यू अकाउंट. तो सेल्स रेवेन्यू अकाउंट में ये हो गया ईरर ऑफ कमीशन, मतलब ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, सेम क्लास ऑफ आइटम हम लोग वो कर रहे हैं, ईरर कर रहे हैं, ईरर ऑफ कमीशन हो गया. तो सेल्स रेवेन्यू को करेंगे डेबिट और क्रेडिट में जो होगा डिस्काउंट रिसीव वो डालेंगे, इससे हमारा ईरर करेक्ट हो जाएगा. सो ये भी ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट नहीं खुल रही है. अब ऑप्शन ईरर 3 में देखते हैं. एंड ओपनिंग एक्रुअल वाज ओमिटेड फ्रॉम द रेंट अकाउंट. सो एक्रुअल की एंट्री क्या होती है, रेंट टू एक्रुअल. ठीक है, तो अब ये शुडू है, ये मतलब ये एक्चुअल एंट्री हुआ. अब डिडू क्या कर दिया, हम लोगों ने एक्रुअल को ओमिट कर दिया, तो सस्पेंस अकाउंट खुलेगा उसकी जगह पे. अब करेक्शन कैसे होगा, सस्पेंस अकाउंट जब यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है ना उसको डेबिट कर दीजिए और जो ओरिजिनल एंट्री होगा क्रेडिट में वो डाल दीजिए, ये हो जाएगा. तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खुल रही है क्योंकि ये वन साइडेड ईरर है, तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को. अगेन फोर्थ ईरर क्या कहता है, डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट वाज अंडर कास्ट. तो अब कैश डेबिट साइड में एंट्री कब, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री कब करेंगे, या फिर रिसीवेबल से बाकी किसी का पैसा दे रहा है रिसीवेबल घटेगा तब, या फिर सेल्स कैश सेल करे तब, है कि नहीं. तो इस केस में ये कैश अकाउंट में एंट्री होगा. तो अब कैश अकाउंट का डेबिट साइड हम लोग अंडर कास्ट कर दिए, मतलब घटा दिए. अब मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, सेल्स किया हम लोगों ने कैश में, तो सेल्स अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर दिया, अब कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब अंडर कास्ट कर दिया. तो वहाँ पे अब उसकी जगह पर क्या खुलेगा, सस्पेंस अकाउंट. ये भी वन साइड ही रहे तो ये इम्पैक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को. सो 3 और 4 करेक्ट है. अब एक और चीज़ देखिए, जब हम लोग को 1 2 पता चल गया कि 1 2 ऑप्शन नहीं है, 3 था क्योंकि 3 में कंफर्म थे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए को हम लोग यहाँ से ओमिट कर सकते हैं और इवन डी को भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 3 यहाँ पे है. अब देखिए 2 को भी हम लोग ने ओमिट कर दिया था ईरर को उस टाइम कि हाँ ये नहीं होगा कहिए, तो ये भी ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ से रेक्टिफाई हो रहा है कि नहीं होगा आंसर. तो करेक्ट आंसर सी होगा, यहाँ से ही पता चल रहा है. सो आंसर इज 3.